हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? क्या प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? चैप्टर टू होल नंबर एक्सरसाइज 2.2 के हम लोग क्वेश्चन 1-4 कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, है ना। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अभी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आज तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो फटाफट से लाइक शेयर कीजिए। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिल रही है। होल सिलेबस यहाँ कराया जाएगा, पूरी की पूरी बुक NCERT बेस्ड है, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करना होगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। हमारी क्लास डेली आपको 1:30 पर मिलेगी, ठीक है। एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी डेली 1:30 पर, जिसे आप बिल्कुल सेम टाइम पर डेली देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, और टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। If the petrol cost 44 rupees per liter, how much did he spend in all on the petrol? It means कोई टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपने गाड़ी के टैंक में यानी कार के टैंक में पेट्रोल फुल कराया कितने लीटर? 40 लीटर। कौन से दिन? मंडे को। और 50 लीटर पेट्रोल उसने डलवाया नेक्स्ट डे यानी ट्यूजडे को। If the petrol cost rupees 44, अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज है, तो बताइए कि उसने पेट्रोल पर कुल कितना खर्चा कर दिया। यानी ऑल अगर पूछा जाए कहीं पर, तो आपको केवल प्लस का ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट भी आपको बताई है और 40 लीटर और 50 लीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, कितना किया मंडे को? 40 लीटर, ठीक है। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूजडे, कितना? 50 लीटर। अब यहां लिखेंगे टोटल पेट्रोल फिल्ड, टोटल कितना पेट्रोल फिल किया गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों को ऐड करके 90 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट दिया ना, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, एक ही लीटर की दी है ना, बताइए मुझे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पर लीटर पेट्रोल, ठीक है। कितनी है? 44 रुपीज। अब क्या करना है? अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल। भाई 1 लीटर की हमें कॉस्ट दे दी ना, अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, तो क्या करेंगे? 90 × 44, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आएगा 3960। और ये क्या आएगा? रुपीस आएगा। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीस थी, तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 3960 रुपीस होगी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू रुपीस 3960 ऑन पेट्रोल, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का आंसर, क्लियर है सबको ना। चलिए, समझ में आ गया? आप लोगों को स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, विदाउट स्टेटमेंट कोई सम यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। If the milk costs rupees 15 rupees per liter, how much money is due to the vendor per day?
क्या पूछा है कि अगर वो 32 लीटर मिल्क सुबह होटल में पहुंचाता है और 68 लीटर शाम को होटल में पहुंचाता है और 1 लीटर की कॉस्ट अगर 15 रुपीज है तो टोटल कितने रुपए का जो मिल्क है वो पर डे होटल में पहुंचाता है। तो क्या लिखेंगे, मिल्क क्वांटिटी, मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन मॉर्निंग कितनी देता है 32 लीटर। नेक्स्ट लाइन भी सेम रहेगी, मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन इवनिंग शाम को कितना देता है 68 लीटर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क कितना है 15 रुपीज। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे आप, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे, एक दिन में जितना वो दूध देकर आता है, इन दोनों को आप प्लस करके लिख दीजिए, कितना हो गया 100 लीटर हो गया। ठीक है, और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 लीटर की कॉस्ट है 15 रुपीज। ये हो गया उसका एक दिन का, ठीक है, ये हो गया उसका एक दिन का कॉस्ट। समझ में आया, यहां पर हम लिख देंगे और आंसर में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, देंगे वेंडर सप्लाइड टोटल मिल्क 100 लीटर पर डे पर रुपीज 1500। ठीक है, यानी एक दिन में 100 लीटर दूध देता है 1500 रुपए का। यही तो पूछा था कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, एक दिन में कितनी मनी वो कमा लेता है या कितने रुपए उसे मिल जाते हैं, तो पर लीटर का कॉस्ट दे दिया, टोटल मिल्क निकाल लिया और टोटल मिल्क को उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, क्या करना है इसमें, दोनों तरफ को सॉल्व करके देखना है कि ए साइड और बी साइड आप लोगों की मैच कर रही है या नहीं, या जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो राइट हैंड साइड में है उसको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्या किया 136 को 130 + 30 + 6 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, जब भी डिस्ट्रीब्यूट का नाम आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नेक्स्ट वाला बताइए, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ बी साइड में देखिए, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन या कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, क्या होना चाहिए भाई, मल्टीप्लिकेशन का मार्क है तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी बी को हम ए से मैच करेंगे और अब थर्ड वाले को तो मैच करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक ही रह गया, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर एडिशन है तो कम्यूटेटिव अंडर
एडिशन होगा यहाँ पर, क्या होगा, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो इसको हम बी को हम थर्ड से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है आज आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। कल हम एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे, एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर ही फिनिश हो गया, यानी होल नंबर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।